बताइए फिल्म के बारे में, किस तरह की फिल्म होने वाली है रोश, और थोड़ा सा अगर किरदार के बारे में बताइए। देखिए इस फिल्म की खासियत यही है कि मैं इस फिल्म के बारे में आपको जो भी कहूँ वो इस फिल्म का प्लॉट लाइन आपको दे देगा। ऑफकोर्स मैं ये डेफिनेटली कहूँगा कि जब मैंने ये कहानी सुनी, जब जेबी भाई ने मुझे कहानी सुनाई, मैंने उन्होंने यही कहा था कि मैं अगर इस फिल्म में हूँ या ना हूँ, आपको ये फिल्म ज़रूर बनानी है, बिकॉज इस फिल्म की कहानी इस फिल्म का सबसे बड़ा स्टार है, सबसे बड़ी USP इस फिल्म की कहानी है। ऑफकोर्स ये फिल्म एक थ्रिलर है, एक्शन है, बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न्स है, एंड मेरा जो किरदार है ही इज़ अ कंप्यूटर एनालिस्ट। ऑफकोर्स वो तो सिर्फ एक जॉब क्राइटेरिया मैं आपको दे रहा हूँ, बट जब आप ये फिल्म देखेंगे आप ये अंडरस्टैंड करेंगे कि इस फिल्म में हर कैरेक्टर में बहुत से लेयर्स हैं, ऐसे लेयर्स हैं जो जितना जितनी कहानी आगे बढ़ती है उतने इनकी सच्चाई बाहर निकलती है। ये जो जैसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, इट्स नॉट व्हाट इट सीम्स, वैसा है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, एंड ऑफकोर्स अभी बहुत जल्द रिलीज भी होने वाली है, सो आप लोग भी देखेंगे, सो आई एम वेरी हैप्पी। काफी लंबा ब्रेक लिया आपने एज अ एक्टर, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए इसमें मैं आपको सच्चा वर्जन भी दे सकता हूँ और आपको झूठा वर्जन भी दे सकता हूँ। झूठा वर्जन ये है कि मैं बहुत सिलेक्टिव रहा हूँ, और सच्चा वर्जन ये है कि मैं हर जगह जाके ऑडिशन किया, बिकॉज आई थिंक ऑफकोर्स मैं नेपोटिज्म के बारे में उस टॉपिक को उठाना नहीं चाहूँगा, बिकॉज आई थिंक इट्स बिकम टू लेंथी एंड टू बोरिंग, बिकॉज आई एम द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉन नेपोटिज्म। आप मेरे डैड को जानते हैं, आप मेरे डैड की लिनियज को जानते हैं, उन्होंने मुझे कभी हेल्प नहीं किया। उन्होंने कहा कि देखो तुम मेरे बेटे हो, बस दैट्स इट, पर तुम्हारा जो करियर है, तुम्हारे जो करियर के चॉइसेस है, तुम्हें जो करना है वो तुम्हारी खुद की लड़ाई है। रोश भी मुझे ऑडिशन से मिली, नवाज सर के साथ अभी जो फिल्म कर रहा हूँ जोगीरा सारा रहा, वो भी मैंने मुझे ऑडिशन से मिली। अभी विक्रम सर के साथ एक बात हो रही है, वापस मैंने री ऑडिशन किया। आई बिलीव एन एक्टर शुड ऑलवेज गो ऑन ऑडिशन, यू नो उसमें कुछ बड़ी छोटी बात नहीं है, और 9 out of 10 ऑडिशंस आपको नहीं मिलता, दैट इज़ द रियलिटी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आई हैव गॉन टू एवरी ऑडिशन। ऑफकोर्स मैं शॉर्ट लिस्ट बहुत से रोल्स और शोज और फिल्म्स के लिए हुआ था, पर इन द एंड मोमेंट आई वॉज नॉट सिलेक्टेड, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन। मुझे रोश मिली, आई एम वेरी प्राउड ऑफ रोश, आई एम वेरी प्राउड ऑफ जोगीरा सारा रहा, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आई एम डूइंग, बिकॉज दैट्स द वे इट इज। इसके अलावा शिवान म्यूजिक भी आज लॉन्च हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे उनके एसोसिएशन के बारे में? देखिए जेवीर भाई इज नॉट जस्ट माय फिल्म्स डायरेक्टर, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी है, एंड जो आपने जैसा भी मेंशन किया कि शिवम म्यूजिक का लॉन्च हो रहा है, मैं बहुत ही खुश हूँ, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट हिम टू प्रॉस्पर। वो इतने टैलेंटेड है, मुझे अभी भी याद है जब हम रोज की शूटिंग कर रहे थे, तो वो सो मेनी टाइम्स जब मैं उनके साथ डिबेट करता था कि जेवीर भाई नहीं ये डायलॉग सही नहीं है, ये गलत है, हमें इसको इस तरीके से करना चाहिए, या फिर ये सीन क्यों है, एंड वो हमेशा मेरे साथ काउंटर डिबेट करके मुझे रॉन्ग प्रूफ कराते थे, विच इज़ अ वेरी गुड ट्रेड ऑफ अ डायरेक्टर, बिकॉज ही इज अवेयर ऑफ एवरीथिंग। मेरी आदत है, मेरा कीड़ा है कि मैं अपने डायरेक्टर को चैलेंज करूँ कि ये क्यों है, एंड ही ऑलवेज हैड एन आंसर। तो आज जब उनका म्यूजिक लॉन्च हो रहा है, इट्स अ साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, इट्स अ साइन ऑफ ग्रोथ, एंड ऑफकोर्स मैं इधर हूँ उनके लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, तो आई एम वेरी हैप्पी। जो मुझे अभी पता है मे बी इन द नेक्स्ट मंथ और टू, आई थिंक अप्रैल एंड या मे में फिल्म आने वाली है बूट पे, तो एंड ऑफ कोर्स दिस इज माय फर्स्ट OTT फिल्म, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, एंड जैसे आपको मैंने कहा इट्स एन एक्टर्स फिल्म, यू नो अभी आई थिंक मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि यू विल नॉट नोटिस द एक्टर इन मी। अभी मैं उस बबल में नहीं रहता हूँ कि मुझे सुपरस्टार का एक प्रेस्टीज लेवल चाहिए, या फिर मुझे नाचना है गाना है, कुछ नहीं, मुझे परफॉर्म करना है, एंड रोश में मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं परफॉर्म कर सकूं। आई गारंटी यू जब आप ये फिल्म देखेंगे आप लोग मुझे सीरियसली राहुल यू विल टेक मी सीरियसली, बिकॉज इट्स अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फिल्म, और जैसे आपको मैंने कहा इट्स मेनी शेड्स, एंड जैसे शुरू होती है इट एंड्स कम्प्लीटली डिफरेंट। एक्टर विच आई फॉलो, सी देयर आर एक्टर्स विच आई लव and the actors which I follow. Actors which I love, Salman bhai, he's an elder brother to me. Mujhe abhi bhi, whenever he calls me, he treats me like family. You know, so Salman bhai is the bhai of all bhais. And the person who I follow, I think main bhi apne doston ko wahi keh raha tha ki Hrithik Roshan, because wo bolte na perfection ek jagah hai, Hrithik Roshan ek jagah hai. So he's my idol, he's my everything. I look up to him, I learn from him. And agar main unka 25% भी अगर अचीव कर लूँ, आई थिंक आई हैव सक्सेसफुल इन द इंडस्ट्री। तो फॉर मी इट्स सलमान भाई, नितिन रोशन।
थैंक्स गाइस, थैंक यू, थैंक यू। तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत नर्वस भी हूँ, बिकॉज ये मेरा डेब्यू है, आज से पहले कुछ नहीं आया मार्केट में। तो थैंक यू जयवीर सर जिन्होंने मुझे मौका दिया, और बहुत एक्साइटेड हूँ रोज के गानों से। रोज से आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है, और गाने भी सुनिएगा, बहुत अच्छे गाने हैं। जिसको भी जिसने भी सुने हैं उन्होंने बोला अच्छे हैं, तो आपको भी अच्छे लगेंगे आई गेस। हाँ जी, हाँ जी, शिवान म्यूजिक का एसोसिएशन है। तो शिवान म्यूजिक के अभी 5 songs लॉन्च करने जा रहे हैं हम लोग। तो द फर्स्ट सॉन्ग इज खट्टा मीठा। खट्टा मीठा रिलीज होगा 26 को आई गेस शिवान म्यूजिक के चैनल पे, एंड बाकी के सॉन्ग्स भी रिलीज होंगे धीरे धीरे। जिसको हमने शूट किया है, 2 गाने हमने अजरबैजान में शूट किए हैं, 3 गाने हमने उत्तराखंड टिहरी में शूट किए हैं, और भी आगे काफ़ी प्लान है। तो अभी ऑल सेट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बारे में क्या कहना चाहेंगे, और अगर किरदार के बारे में कुछ बताए, किस तरह का किरदार है वो, एसोसिएशन शिवान। रोश एक बहुत अच्छी कहानी है, और वूट पर रिलीज होने वाली है बहुत जल्दी। एंड मेरा जो कैरेक्टर है वो एक अलग लड़की है, जो जिसको पैसों से मतलब है बस, और कुछ लेना देना नहीं है उसको। तो मैं रियल लाइफ में ऐसी नहीं हूँ, बट मेरा कैरेक्टर ऐसा है। एंड जो मैं रियल लाइफ में हूँ, और आप फिल्म देखोगे तो एक अलग ही कैरेक्टर आपको देखने मिलेगा बिल्कुल। एंड मज़ा आया ये फिल्म करके मुझे, और कहानी बहुत ही अच्छी है। इस कहानी को, इस फिल्म को रिलीज डेट, जैसे हमारी फिल्म अभी रिलीज होने वाली है, बट अगर मैं 2-5 साल बाद भी ये फिल्म रिलीज करते हैं हम, तो भी कोई बोलेगा नहीं कि ये पुरानी कहानी हो गई है, बिकॉज इसका कंटेंट वैसा है। और इस कहानी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप सबकी लाइफ में रोजाना कभी ना कभी होती ही है। तो बिल्कुल यू शुड वॉच, एंड बताओ कि कैसी लगती है आपको फिल्म, आप सबका सपोर्ट हमें चाहिए। मैमो के साथ मैंने मतलब पहले तो काम नहीं किया था, बट बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने मिला, मैं तो न्यू हूँ, बट उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने मिला एज एन एक्टर, और एज एन रियल लाइफ में भी बहुत अच्छे हैं, मतलब नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं वो। तो बहुत अच्छा लगा मुझे उनके साथ काम करके बिल्कुल। और कुछ कहना चाहेंगे जो ऑडियंस देख रही है, उनको क्यों देखना चाहिए? रोज क्यों देखनी चाहिए, क्योंकि मैं हूँ उसमें स्पेशली, देख सकते हैं आप। और ये मेरी पहली फिल्म है बॉलीवुड, जो मतलब अब तक की सबसे बड़ी फिल्म मेरी ये है, और मैं चाहती हूँ कि ये फिल्म हिट हो। और मैंने काम बहुत अच्छा किया इसमें, और मैं खुद बोल रही हूँ तो आप भी बोलोगे मुझे पता है, बट यू शुड वॉच, एंड थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो इस फिल्म को, एंड थैंक यू। मैं मैं बॉलीवुड एक्ट्रेस को मैंने पता नहीं मैं किसको फॉलो करती हूँ, बट मैं अपने आप की फेवरेट हूँ। मुझे एज एन एक्टर शाहरुख खान पसंद है, एज एन एक्टर, एंड हाँ रणवीर सिंह ऑल्सो। थैंक यू। सो अबाउट रोश, आई वुड लाइक टू से कि इट्स अ सस्पेंस थ्रिलर मूवी, जो कि अभी एक बर्निंग, बहुत बर्निंग सोशल इशू चल रहा है जिस पे आधारित है, और एक अवेयरनेस भी है जो कि एक अवेयरनेस लेके आएगा ऑडियंस में, और एक चक्रव्यूह निर्मित होता है जिसकी मैं एक पार्ट हूँ। अब मैं कल्प्रिट हूँ या विक्टिम हूँ वो तो आपको देखने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि एज आई सेड इट्स अ सस्पेंस थ्रिलर, जो कि आपको बहुत देर तक तो समझ में नहीं आ रही कि कौन विक्टिम है, कौन कल्प्रिट है, कौन विलन है, कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है, जिसके लिए आपको एंड तक उससे चिपके रहना पड़ेगा सीट से आपके देखने के लिए। सो बहुत ज़्यादा मैं अपने कैरेक्टर के बारे में नहीं बता पाऊँगी, बट इट्स अ पॉजिटिव कैरेक्टर, बट हो सकता है आपको लगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आगे क्या होने वाला है, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। और इट वॉज वेरी नाइस, मुझे बहुत कुछ सीखने मिला सभी से कि कैसे इतने बड़े ऑरा के साथ हमें काम करना चाहिए एज अ फ्रेशर, और मैंने कभी मतलब इतने बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ काम किया नहीं है, तो इन लोगों के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। मेरे वो सर तो बहुत ही हम्बल है, और यशराज जी भी, जयवीर सर, सभी लोग बहुत ही हम्बल है, और जयवीर सर ने जितने अच्छे तरीके से हमें सिखाया कैसे कैरेक्टर में आपको जाना है। हम लोगों की पहले 1 month की वर्कशॉप हुई, रीडिंग वर्कशॉप हुई, उसमें उन्होंने समझाया कि हाउ यू हैव टू गेट इन टू द कैरेक्टर। तो वाकई में हम सभी लोग उसी कैरेक्टर में थे, और बहुत दिनों बाद निकले हैं, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। थैंक यू।
ओके, मेरा नाम जयवीर है, जयवीर पंगाल। मैं राइटर डायरेक्टर हूँ रोश मूवी का भी, और हमारी जो कंपनी है शिवान स्टूडियो, उसमें जितने भी हम म्यूजिक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और बहुत अमेजिंग हम गाने बना रहे हैं, बहुत बड़ा प्लान हम लेकर काम कर रहे हैं। तो उस वक्त मैं काम कर रहा हूँ एज ए राइटर डायरेक्टर एज ए लिरिसिस्ट। ही इज़ मिस्टर सचिन गर्ग, ही इज़ माई ब्रदर, सो वी आर टुगेदर एंड ही इज़ प्रोड्यूसिंग द इंटायर क्रिएशन ऑफ माइंड, जो यहाँ तक आज आप देख रहे हैं बिकॉज ऑफ हिम। बेसिकली सचिन जी चंडीगढ़ से हैं और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग है मेडिसिन की, मेड्स मोर देन 5,000 ब्रांड वर्किंग फॉर 9 कंट्रीज, और बहुत जनरसली काम करते हैं। अब बॉलीवुड में हम आए हैं ऑल टुगेदर, तो अब आपका कोई भी सवाल होगा कुछ रोश के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले रोश के बारे में बताएं किस तरह की फिल्म होने वाली है, डायरेक्टर से बात की, उन्होंने बताया कि सस्पेंस थ्रिलर है, इसके अलावा क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में, क्या देखने मिलेगा ऑडियंस को? देखिए रोश एक ऐसी फिल्म है, के बाद आप ये जरूर कहोगे कि शायद कुछ नया अटेम्प्ट काफी समय के बाद किया गया है। जैसे बहुत सारी सस्पेंस थ्रिलर्स आपने देखी होंगी, अगर आप कंपैरेटिवली देखें तो अभी तक तो कोई फिल्म ऐसी देखी नहीं है जिससे मैं स्ट्रेट कंपेयर कर सकूं। और यही बात तो जब मैं फर्स्ट टाइम मीमो जी को नरेशन देने गया था तो उन्होंने मुझसे यही पूछा था कि मैं किस फिल्म से कंपेयर करूँ, तो मैं बोला मुझे तो नहीं पता, आपको सुना देता हूँ, आप बता देना कि किससे कंपेयर करके देखेंगे। तो उन्होंने आज भी आप शायद पूछना उनसे इस बात के बारे में बताएंगे, तो उन्होंने बोला था कि यार नहीं मैंने भी नहीं देखी है। इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर, और वही जैसा आपने पठान देखी है कि आप कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। और मैं इसके लिए दो शब्द बोलना चाहूंगा, जो क्वेश्चन आपने पूछा है, मीडिया तो खैर कुछ भी आज मीडिया के बिना कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी अच्छा कीजिए जब तक वो छपेगा नहीं तो दिखेगा नहीं, जब तक कुछ दिखेगी नहीं तो वो उसका कोई वैल्यू नहीं बनता। तो मैं मीडिया की रिस्पेक्ट करते हुए सिर्फ दो शब्द ये बोलना चाहूँगा कि रोश अपने आप बोलेगा, रोश की जितनी तारीफ की जाए वो कम। रोश एक अपने आप में ऐसी फीचर फिल्म है जो कि एक डिफरेंट सेगमेंट पर बनी हुई है, शुरू से लेकर के लास्ट तक आपको ये नहीं मालूम चलेगा कि पिक्चर में है वो जो ना होना वो आपको अपनी कुर्सी से बांध करके रखेगा। जब लास्ट के अंदर आपको पता चलेगा कि क्या है तो आपको लगेगा वाओ क्या बना। उसका म्यूजिक इतना क्लासिकल है, उसका जो शूट हुआ है और जो उसका सबको डायरेक्ट हुआ है जयवीर जी के द्वारा, बहुत मेहनत के साथ बनाया गया है और वो अपने आप में ही बोलेगी रोश रोश रोश। सर और एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, फिल्म को जो है OTT पर रिलीज किया जा रहा है, व्हाई नॉट थिएटर, अगर उस बारे में कुछ बताया, क्योंकि जैसे सबने बताया कि अच्छी फिल्म है तो थिएटर में रिलीज करने का डिसीजन क्यों नहीं लिया? थिएटर में हम लोग फिल्म को पहले रिलीज करना चाह रहे थे, लेकिन देखो अभी आज ना थिएटर की मैथमेटिक्स पूरी चेंज हो चुकी है, आप सब मीडिया से हैं और बॉलीवुड को कवर करते हैं, तो आपको पता है कि थिएटर में ना एक नेम शेक फेस चलता है और वो नेम शेक फेस अक्सर आपकी बैलेंस शीट बिगाड़ देता है। तो हम लोगों ने बहुत वाइज डिसीजन लिया, क्योंकि हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में पिछले 10 साल से हम 50 से ऊपर खुद फिल्म थिएटिकल रिलीज कर चुके हैं, तो हमने अपनी फिल्म का साइज इवेल्युएट किया, फिल्म का और टारगेट मार्केट इवेल्युएट किया, हमें कौन देखेगा क्यों देखेगा इवेल्युएट किया, और उसके बाद हमने डिसीजन लिया कि वूट इज अ गुड प्लेटफॉर्म टू सॉल्व। ऑल्सो एक्टर्स के बारे में कुछ बताइए कि वो बहुत टाइम के बाद जो है OTT पे उनका डेब्यू है और लोगों को दिखाई देने वाले बहुत टाइम के बाद, तो देखिए स्क्रिप्ट की डिमांड ऐसी थी कि मुझे एक कहानी में ना एक कैसे कहते हैं कि एक लॉयन और एक लेपर्ड की लड़ाई दिखानी थी। आई वॉज वॉन्टिंग यू नो हैवी मैन विद लॉट ऑफ यू नो ग्रेविटी ऑन इट, एंड आई फाउंड मेमो बेस्ट फॉर इट। और मैंने मेमो के सिवा मैंने किसी को नरेट भी नहीं किया, ओनली पर्सन आई नरेटेड दिस स्क्रिप्ट वॉज मेमो चक्रवर्ती एंड ही सेड यस एंड देन वी स्टार्टेड टुगेदर। आई कॉल्ड भाई के बेसिकली हमारे पास डेट की क्लियरिटी थोड़ी इसलिए नहीं आ रही है बिकॉज वूट और जियो मिलकर IPL कर रहे हैं, तो उसके चक्कर में उनका बहुत सारा प्रोसेस अभी डिले हुआ है। सो वी हैड क्लियरिटी अभी इसी मार्च में होना था, बट 2 days बैक वी गॉट इन्फॉर्मेशन के अभी थोड़ा उनका ऐप का कुछ शिफ्टिंग चल रहा है, कुछ तो भी चल रहा है। सो होपफुली कल हमें एक डेट मिल जाएगी बिटवीन 21st of April टू 25th of April के बीच, एंड वीक ऑफ अप्रैल आप मान के चलिए, वी हैव द क्लियरिटी ऑफ द रिलीज डेट एंड ऑल। थैंक यू सो मच।
देखिए जयवीर को मैं काफी टाइम से जानता हूँ एंड ही इज नॉट ओनली टैलेंटेड, वो टैलेंटेड ही नहीं है बाकी उनका एक एज अ इंसान भी वो बहुत अच्छे हैं और ऐसे लोगों को आगे बढ़ना ही चाहिए और स्पेशली प्रणव को मैं देखता हूँ कि आने वाले टाइम में द नेक्स्ट जुबिन नौटियाल के जगह में मैं देखता हूँ, बहुत बहुत यंग एज में बहुत अच्छा गाते हैं और क्योंकि हम वो जर्नी देख चुके हैं राइट फ्रॉम श्रेया टू अरिजीत टू जुबिन, वी हैव सीन देम ग्रोइंग और मुझे लगता है प्रणव इज ऑल्सो वेरी वेरी टैलेंटेड और बहुत जल्द आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं एंड जयवीर इज अ ब्रदर और मेरी बेस्ट विशेज हमेशा इसके साथ में है फॉर द गुड वर्क ही इज डूइंग। अरे बिल्कुल, तो अभी अपना 26 को शायद है ना खट्टा मीठा जो है अपना फर्स्ट सॉन्ग रिलीज हो रहा है तो मैं वही सुनाता हूँ आप लोग को। खट्टा मीठा सीधा सच्चाई इश्क हो गया है, कैसा मुझे इश्क हो गया है, मैंने तो सुनी थी बस कहानी रंगे इश्क की, ना जाने मुझे क्यों हो गया है, तू मेरे साथ साथ चलना प्यार में कभी ना बदलना, तू मेरे साथ साथ चलना प्यार में कभी ना बदलना। विरोश का जो म्यूजिक है वो मल्टी सर ने ही पूरा डिजाइन किया है बनाया है, विरोज का गाना उन्होंने इसलिए शायद नहीं सुनाया क्योंकि आप लोगों को सरप्राइज वहीं पे देना है इसको, क्योंकि रोज का जो म्यूजिक है वो समथिंग मैड समथिंग मैड, मैं उसका एक्सप्लेन नहीं कर सकती आप उसको, बस सुन सकते हो, वो ऐसा म्यूजिक नहीं है कि आप कोई जैसे अभी कुछ चीजें हैं तो गाई जा सकती हैं, गा दी आपको सुन, वो एक्सपीरियंस है वो आपको साउंड पे ही आपको दिखाई पड़ेगा, अभी आधे एक घंटे बाद आपको गाने सुनाए जाएंगे रोज के, तो सारा म्यूजिक सर ने बनाया है और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे जैसे नए डायरेक्टर के साथ सर ने इतना लीजेंडरी होने के बाद भी काम के लिए यस बोला, मैं बड़ा ऐसे गया था सर के पास कि ट्राई करने में क्या बुराई है पर सर ने बहुत अच्छे से वेलकम किया और एकदम मतलब गले से लगाया और क्योंकि मैं नया था सर ने मुझे बहुत सिखा के पता के चीजें ऐसे नहीं ऐसे करके और बहुत सपोर्ट किया, मतलब बियॉन्ड म्यूजिक डायरेक्टर, एक म्यूजिक डायरेक्टर चलो म्यूजिक बना देगा बट आई वाज मेकिंग अ फिल्म बीइंग अलोन, तो जो सर ने मुझे सपोर्ट किया है इट विल बी ऑलवेज वन गोल्डन यू नो चैप्टर ऑफ माय लाइफ। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल द वे। और इस वक्त म्यूजिक लॉन्चिंग ऑफ रोश में हूँ, मैं समझता हूँ कि रोश और जोश आज की महफिल की शान रहेगा क्योंकि ये जो मेरे दोस्त है जयवीर और पूरी टीम जो है मुजाहिद और पूरी टीम ने जो मिलकर और खासकर निमो इन्होंने मिलकर जो काम शुरू किया है फिल्म बनाई है रोश, मैं बहुत ही खुश हूँ, पूरी टीम को बहुत बधाई देना चाहता हूँ और मैं समझता हूँ कि अभी इनकी ये फिल्म का जो शुरुआत है बहुत, क्योंकि मैंने फिल्म देखी है ट्रायल में, बहुत ही सस्पेंस फिल्म है और आज की फिल्म है, आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से आज के ज़माने के हिसाब से क्या क्या चीज़ें आज चाहिए फिल्म को और फिल्म की कहानी को सब चीज़ें इसमें। किसी का भाई किसी का जान तो जो सलमान भाई की फिल्म है तो ऑल ओवर इंडिया हिट रहेगी, उसके बाद कंजूस और मक्की चूस फिल्म आ रही है जिसमें राजीव श्रीवास्तव जी की आखिरी फिल्म है, ज़रूर देखिएगा इतने बड़े लेजेंड की लास्ट फिल्म है कंजूस मक्की चूस, राजू भाई हमारे दिल में है उस फिल्म में है और हमारे फील में है, और उसके अलावा नेक्स्ट हमारी भी फिल्म आ रही है गाली गलौज जो स्टैंड अप कॉमेडी पर है जिसमें गाली गलौज फिल्म का नाम ज़रूर है लेकिन फिल्म में गाली गलौज नहीं है, फिल्म में गाली गलौज के खिलाफ फिल्म है। सबसे पहले इस फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे रोश के बारे में और पूरी टीम के बारे में और जो नया म्यूजिक लेबल आज लॉन्च हो रहा है ये रोश और ये शिवान म्यूजिक शिवान स्टूडियो के सभी लोगों को, जितने भी लोग हैं मेरा भाई है सनी सारे लोग हैं, इन लोगों को ऑल द बेस्ट एंड ऐसे ही करें। और देखिए फ्रेंकली मैं बताऊंगा मैंने अभी तक मूवी देखी नहीं है
मैं कुछ बोल दूंगा और कुछ और निकल जाएगा तो मतलब नहीं, मैं देखूंगा उसके बाद ही मैं कमेंट करूंगा, बट मुझे पता है अगर मेरा भाई जुड़ा है तो आई एम श्योर इट विल बी गुड एंड इट हैज टू बी गुड। सो ऑल द बेस्ट टू यू एंड ऑल द बेस्ट टू योर टीम, चाहता हूँ कि अच्छा करें। म्यूजिक में कितना रुचि रखते हैं शिवान? म्यूजिक हाँ, अभी ये म्यूजिक की जितना भी है जो इन लोगों ने किया है कि अभी ये मतलब इन लोगों ने जस्ट स्टार्ट कर दिया और मैं हाँ लॉन्च है आज, तो अब ये भी सुनूंगा और उसके बाद विशेष टिप्पणी दूंगा, अच्छा लगेगा तो ज़रूर बोलूंगा अच्छा है, और जो कुछ भी लगेगा भाई है तो इसको बता दूंगा कि भाई देख इसमें ऐसा भी कर सकते थे, ऐसा भी हो सकता था, ये अच्छा है जो है फेस पे, इसमें क्या हो गया यार, घुमा फिरा के बात नहीं करते भाई हम। रील बनाना कितना एंजॉय कर रहे हैं, हमने देखा सेट से बहुत सारी रील। अभी ऐसा है कि मेरी मैं क्या है कि अब तक काम कर रहा था तो यू नो लोग बहुत काम भी करते थे, लेकिन अभी ये जो नया जनरेशन है ये लोग हर मोमेंट पे कुछ ना कुछ करते हैं, उनका दिमाग मतलब ऐसे फास्ट चलता है कि अगर मैं सीन में हूँ तो मैं सीन में और कैरेक्टर में उस वो करूँगा, लेकिन उसके साथ ये लोग ये सोचते हैं कि चलो यार एक ये बना ले, तो मुझे बोलते हैं आइए सर इधर ये बना लेते, आप ऐसे ऐसे कर लीजिए और वो बन जाती है रील यार। नीति कोई टिप्स देती है? नीति नीति का ही होता है सारा सब इनिशिएटिव, नीति पूरी तरह से नीति ही है, नीति पूरा मतलब जो भी ट्रेंडिंग सॉन्ग होता है वो निकालती है, फिर बाद में डिसाइड करती है सर ऐसे ऐसे करेंगे ऐसे ऐसे करेंगे आप बस ऐसे ऐसे करिए हो जाता है, मतलब वो डायरेक्टर है आपको उसे पैकिंग करना, बस डायरेक्टर इन द सेंस क्या है कि इन लोगों को पता है कौन सा गाना ट्रेंड होता है क्या चलता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एंड दे आर डूइंग इट, एंड आई वुड से यू नो एक बात अच्छी है वहाँ सेट पे नीति और जितने भी हैं जो साथ पे काम कर रहे हैं खास करके नीति पूजा रणदीप, इन लोगों को ये नहीं है कि यू नो हमारे फॉलोअर्स हैं तो हम नहीं करेंगे या सर हैं तो नहीं, वो प्यार है लव है रिस्पेक्ट है लाइक वाइज मतलब सबके लिए एक जैसा है, तो हम मिलजुल के करते रहते थे तो वो करती उसको ज़्यादा इंटरेस्ट। और लास्टली आपसे जानना चाहूँगा बड़े अच्छे लगते हैं इतना प्यार मिल रहा है, क्या क्या मैसेज होगा फैंस के लिए आपकी तरफ से? फैंस के लिए सिंपल है, स्टोरी वही है बड़े अच्छे लगते हैं, तो आप देखते रहिए सोनी टीवी पे बड़े अच्छे लगते हैं मंडे टू फ्राइडे 8 बजे और साथ में ये म्यूजिक भी सुनते रहिए। थैंक यू। अरे भैया मंडे न्यूज चैनल आए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए भैया।